नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें एक झलक में। नजर डालते हैं दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को नए आतंकवादी संगठन तहरीक ए लबैक या मुस्लिम TLM का खुलासा हुआ है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग यानी CIK और पुलिस ने मंगलवार को श्रीनगर, गांधरबल, बांदीपोरा, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा में कई लोकेशन पर छापा मारा। वक्फ बिल पर JPC बैठक के दौरान TMC सांसद कल्याण बनर्जी और BJP सांसद के बीच तीखी बहस हुई। कल्याण बनर्जी ने कांच की पानी की बोतल मेज पर फेंक दी। व्यवहार के कारण सांसद कल्याण बनर्जी को एक दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर पहुंचे। एयरपोर्ट पर लड्डू और केक से उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। कजान के होटल में भारतीय पोशाक पहने रूसी कलाकारों के डांस का भी उन्होंने आनंद लिया। सोमवार देर रात 30 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी फिर मिली है और जिनमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की फ्लाइट शामिल है। धमकी में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को निशाना बनाया गया। पिछले 8 दिनों में 120 से ज्यादा विमानों में बम के हमले की धमकी मिल चुकी है। सेंसेक्स आज 930 अंक गिरकर 80,220 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 309 अंक की गिरावट रही, यह 24,472 के स्तर पर बंद हुआ। BSE स्मॉल कैप 2,118 अंक की गिरावट के साथ 53,530 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान की खुशहाली से राष्ट्र की खुशहाली जुड़ी है। उन्होंने किसान संगठन के कार्यकर्ताओं को संगठन की रीढ़ बताते हुए कहा, उनकी भूमिका अहम होती है और उनकी सराहना की गई। गजेंद्र सिंह मालवीय नगर पाथे भवन में भारतीय किसान संघ की प्रदेश व प्रांत प्रतिनिधि सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने सोमवार को मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें 9 से 11 दिसंबर को होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आमंत्रित किया। शर्मा ने राज्य में अक्षय ऊर्जा, खनन, IT और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं बताई। उत्तर पश्चिम रेलवे के 77 स्टेशनों का पुनर्विकास 4,800 करोड़ रुपए की लागत से अमृत स्टेशन योजना के तहत हो रहा है। स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और बिल्डिंग को नया स्वरूप देने का कार्य तेजी से प्रगति पर है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण ने बताया कि पुनर्विकास कार्य में तेजी लाई जा रही है। जयपुर में जयपुर युविका, राजस्थान पर्यटन विभाग और मान द वैल्यू फाउंडेशन ने मिलकर जयपुर फेस्टा का आयोजन किया, जिसमें 2000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 50 से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया। उद्घाटन मान फाउंडेशन की डॉक्टर मनीषा सिंह, राजस्थान पर्यटन के राकेश शर्मा और RJ रोहित ने दीप प्रज्वलन के साथ किया, जिसमें उद्यमशीलता और पारंपरिक राजस्थानी कला का फ्यूजन प्रस्तुत किया गया। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भाजपा के सक्रिय सदस्यता अभियान के अंतर्गत अपनी सदस्यता का नवीकरण किया। उन्होंने लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय के मंत्र के साथ राष्ट्र प्रथम की भावना से इस अभियान को महत्वपूर्ण बताया। राठौर ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अभियान से जुड़े और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करे। खबरें एक झलक में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।